is the process of rearing the pollen on. Honeybees, इसके लिए honeybee, wax, bee venom and royal jelly. अब इसके लिए दो डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में तैयार किए गए हैं, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि और इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड, और इसको सुपर सीड कौन कर रहा है, नंबर वन अमेरिका, नंबर टू स्विट्जरलैंड और नंबर थ्री जो है इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है इटली. ठीक है, इंडिया ने इसको और बढ़ाने के लिए दो डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, दैट इज खादी एंड ग्रीन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है ये एक डिपार्टमेंट है, दूसरा कमीशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. दीज टू डिपार्टमेंट्स हैव बीन शोल्डर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट पुअर फार्मर्स आर द फार्मर्स दे कैन मैनेज दे कैन इंप्रूव दियर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एपिकल्चर को यूज करें क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता काम है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है. ठीक है, देन सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन. आप इसे कौन बताएगा मुझे, किंगडम कौन सा आएगा, ये हाथ का करो, किंगडम कौन सा आएगा, नहीं हाथ का करना है तो जल्दी टाइम कम है. किंगडम, किंगडम, आई एम आस्किंग किंगडम, प्लेंटी है फिर क्या है, तो बोलो ना एनिमलिया है, क्या है एनिमलिया. देख सबसे पहले हम लिखते हैं किंगडम. एनिमलिया, ठीक है, देन फाइलम, कौन सी फाइलम है, शाबाश, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा. देन क्लास, सामने बोल रही लड़के हैं, क्लास इंसेक्टा, उसके बाद ऑर्डर हाइमिनोप्टेरा, जो ये इंसेक्ट इंसेक्ट्स हैं वो सब हाइमिनोप्टेरा में आएंगे, हाइमिनोप्टेरा, हाइमिनोप्टेरा. देन जीनस, शाबाश, वेरी गुड, एपिस. और जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज की जो जनरल स्पीशीज हैं जो कॉमन है वो चार है. अब आप डॉसेटा लिखो, इंडिका लिखो, मेलिफेरा लिखो या फ्लोरा लिखो, वी विल कम वन बाय वन. अब देखो स्पीशीज ऑफ हनी बी, तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं पहले का क्लासिफिकेशन जो है किंगडम एनिमलिया, ठीक है, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमिनोप्टेरा, जीनस एपिस एंड स्पीशीज डॉर्सेटा. तो मैंने आपको पहले बताया जब भी हम जीनस स्पीशीज लिखते हैं अगर अलग लिखना हो, हमने एपिस ए कैपिटल लेकिन डॉर्सेटा का डी स्मॉल आएगा एंड वी हैव टू अंडरलाइन इट, अपने हम पर आएगा. ठीक है, नो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीशीज ऑफ हनी बी. तो स्पीशीज तो नंबर वन, डॉर्सेटा नंबर वन लिखिए, ये तो डॉर्सेटा स्पीशीज है. दिस स्पीशीज आल्सो नोन एज, पूरा बताएंगे तो एपिस डॉर्सेटा, एपिस सब पता लगाना हमने पहले. ठीक है, एपिस डॉर्सेटा, दिस आल्सो नोन एज रॉक बी, रॉक बी. अब रॉक बी मींस इट हैज गॉट द लार्जर साइज एज कंपेयर टू अदर बीज, अदर हनी बीज जिस हम बात कर रहे हैं. एंड दिस टाइप ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ हनी बी इज always found on the rocks, means away from human population mostly. It is very ferocious, samajhte ho, darani hai, dangti hai, dance marti hai ye. Theek hai, iska jo honey product hai it is large in size, but the thing that is lacking here is swarming. There is swarming, what is swarming, s w a r m i n g, swarming means कि जो शायद मतलब छत्ता जो है, जो झुंड इनका है, तो उसको ये
निकल जा बाहर निकल जाते हैं, देन नोन एज स्वार्मिंग। मुझे मेरी बात नहीं समझ रहे हो कि ये माइग्रेशन करता है जल्दी, माइग्रेशन मतलब स्टेबल नहीं है एक जगह। हमें हनी भी ऐसी चाहिए जो स्टेबल रहे ताकि हमें बार बार उसका जो ये हनी जो उसका एक्सट्रैक्ट वो मिलता जाए। लेकिन जो ये एपिस डॉर्सेटा है इट इज माइग्रेटरी। माइग्रेटरी मीन्स विच डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते हैं। और दूसरा ये फिरोशियस है, और तीसरा मैंने बताया कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन से दूर है इसलिए हमें इसका खास फायदा नहीं है। देन नेक्स्ट इज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका दिस इज द इंडियन स्पीशीज, ठीक है, इंडिका इंडियन स्पीशीज है। इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एपिस डॉर्सेटा, बट द प्रोडक्ट और द हनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वेरी लिटल, ठीक है, इसलिए भी फायदा उतना नहीं है। देन नेक्स्ट इज एपिस फ्लोरा, या मैं डैश करूंगा इसको, एपिस फ्लोरा एफ एल ओ आर ए। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज, सबसे छोटी, एंड द प्रोडक्ट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर्स। देन कम्स एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एंड दिस इज द सुपीरियर मोस्ट स्पीशीज। अब सुपीरियर मोस्ट हम क्यों कह रहे हैं, बट एंड दिस इज एक्सोटिक। व्हाट डू यू मीन एक्सोटिक, शाबाश, जो फॉर्म जो बाहर से आई है एक्सोटिक स्पीशीज, एंड दिस स्पीशीज हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम इटली। कहां से आई है, इटली से एक्सोटिक स्पीशीज, एंड दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्पीशीज बिकॉज द हनी विच वी गेट फ्रॉम इट इज मच इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर थ्री स्पीशीज, ठीक है। और इस वक्त जो है एट प्रेजेंट जो ये दोनों डिपार्टमेंट हमने कहे ये इस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि इसी को ये जो स्पीशीज है इसी को रियर करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता जाए, ठीक है। अब इसका और एक फायदा है कि इट इज नॉट माइग्रेटरी, स्टेबल रहती है, माइग्रेशन नहीं करती है, ठीक है, नंबर दो। और नंबर तीन इसका है कि इट इज नॉट फिरोशियस, ये जो है स्टिंग नहीं करती है, डंग नहीं मारती है। सो प्रेफरेंस इज गिवन टू दिस स्पीशीज एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है, एपिस मेलिफेरा। नाउ वी हैव टू रेयर दीज हनी बीज, इट इज गॉट टू मेथड्स। इसमें तो थोड़ा सा पहले बता देता हूं, डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए हनी बी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है कि इसके माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट समझते हो ना, माउथ पार्ट्स जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिकॉज इट हैज टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। तो इसके माउथ पार्ट्स ऐसे कुदरत ऐसे बनाए हैं कि वो जो फ्लावर है या जो उसने सैप निकालना है प्लांट प्रोडक्ट से या लीव्स से या फ्लावर से, तो बड़ा डीप जाता है। आप खुद देख सकते हो तो इसकी जा कैसे है, या आप दिखाई दे रहा आपको यहां से, ठीक है। बाकी एक्सोनिमा कंपाउंड आई कैसी हेड किसका ओसिलाई थोरेक्स थोरेक्स जैसा हम कहते हैं ब्रेस्ट फीमेल में और चेस्ट कहते हैं मेल में, लेकिन हम हमने पढ़ा जॉलजी में वहां थोरेक्स ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरेक्स बोलते हैं। तो थोरेक्स भी इसका गलत सोफिस्टिकेटेड है। फिर विंग्स फोर विंग हाइंड विंग, फिर अब्डोमिन कहां है, फिर जो स्पाइरेकल्स बने हैं, स्टिंग स्टिंग कैसे मारती है जो नसती है स्टिंग, ठीक है। और यहां से ये विनम विनम कैसे डालती है बॉडी में, बॉडी में स्वरिंग जाती है या जल होती है। देन दिस पोलन प्रेस, फिर कैसे हाइंड लेग, हाइंड में फोर लिम्ब हो गया आगे वाला लिम्ब, हाइंड हो गया बैक जो पीछे वाला लिम्ब है, मिडिल लेग। इस तरह से ये डायग्राम दी हुई है, मैं फिर आपको उधर लिखाऊंगा बाद में क्लास में भी। तो इस तरह से इसका जो बॉडी है इट इज वेल डिजाइंड सो इज विच इट हेल्प्स इन ड्राइंग द नेक्टर, या जो फ्लावर का जो जूस है नेक्टर बोलते हैं उसको सक कर सके, क्योंकि ये इसकी फीड करती है, करती है ना। अब मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, मेथड्स ऑफ, देखो देयर आर टू मेथड्स, नंबर वन इज इनडाइजेस्ट मेथड एंड नंबर टू इज मॉडर्न मेथड, देयर इज आर्टिफिशियल मेथड। तो इनडाइजेस्ट मेथड मींस कि ओल्ड मेथड, जैसे हमने देखा अभी इधर इंडाइजेस्ट मेथड चल रहा है। अब इस मेथड में क्या था कि कहीं भी देयर इज एनी होल इन द वॉल, एनी होल इन अ ट्री या एनी स्पेस जहां कोई मिल जाए तो वहां बनाते थे, ये क्या बनाते थे अपना जिसको हम बीहाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीहाइव, यहां पर ये हनी पाद में निकालते थे। अब ये इंडाइजेस्ट मेथड है जो था
It was very harmful to us. Yeah, इसको कोई फायदा उतना नहीं था क्योंकि इसमें एक तो इसमें कोई इनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं थी किनकी हनी बीज की. बिकॉज when we want to extract the honey, क्या करते थे कि they lit the farmers used lit the fire, आग जला के उनको बेचारों को भगाते थे किनको हनी बीज को, उसको जल जाती है एज अ स्मोक, स्मोक से नुकसान पहुंचता था. फिर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जब हनी बीज ने स्वार्मिंग की, स्वार्मिंग मींस कि व्हेन दे लीव देयर बिहाइंड, दैट नोज स्वार्मिंग, दैट नोज स्वार्मिंग, व्हेन दे स्वार्म ऑन टाइम, दिस इज नॉट, इसमें कोई ये नहीं है क्या श्योरिटी नहीं कि दे विल कम बैक, दिस इज इसमें जो ये क्या कहते हैं नुकसान इसमें. ठीक है, नंबर दो कि जो आदमी निकाल रहा है हनी उसके हाथ पांव ये सब खा जाते थे. ठीक है, नंबर थ्री, दिस वॉज नॉट प्योर हनी. वाई, उसमें पोलन ग्रेन्स भी होंगे, उसमें उनके जो जो हनी भी हैं उनके बॉडी पार्ट्स कुछ मरे हुए, उनका डेब्रिस भी होगा उसमें, पोलन ग्रेन्स डेब्रिस या आर दिस डेड हनी बीज, देखा ना आपने, उसमें हो सकता है. सो दिस मेथड नाउ हैज बीन डिस्कार्डेड एंड दिस खादी विलेज डेवलपमेंट, या जो हमने लिखा था पिछला वो जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंडिया जो है उनने नए मेथड जो है डेवलप किए हैं. तो दिस इज नाउन एज द एपियरी, दिस इज द अपैरेटस. ये क्या है, तो ढंग से बेस्ट कोई पिछली बार याद है एग्जाम में ये ऑल्टर एक साल छोड़ के हो सकता है सारे रिपीट हो गए, आप लोगों ने देखा भी होगा. दिस वाज द एपियरी, क्या कहते हैं इसको एपियरी, दिस इज नथिंग बट दिस इज दिस बॉक्स, वुडन बॉक्स और मेटल बॉक्स, इसमें दिस इज जो रास्ते पे होती है, यू कैन अंडरस्टैंड, यस हां बिल्कुल एपियरी. अब एपियरी में आप खुद देख सकते हो, कोई खास में मशीन मशीन कोई लगी नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजिकली इसको डेवलप किया गया है. तो ये स्टैंड हो गया इसका, दिस इज इनलेट एंड आउटलेट एंड दिस इज द ब्रूड चैम्बर. ब्रूड चैम्बर जो शहद की मक्खी आएगी अंदर, यहां से बाहर निकल सकती है. तो ब्रूड चैम्बर में एक्चुअल में द यंग वन आर द लार्वा ऑफ दिस हनी बी इज नोन एज द ब्रूड. क्या कहते हैं इसको ब्रूड. अब चैम्बर जो बना इसमें रहती है, ब्रूड चैम्बर में यहां पर बने हुए हैं हेक्सागोनल डिप्रेशंस. एग्जाम्पल जैसे आपने अगर शहद की मक्खी छाप देखा होगा वो हेक्सागोनल है, ठीक है ना, यहाँ पर बने ऑलरेडी बने, उनको कोई तकलीफ नहीं करनी है हनी बीज को. हेक्सागोनल डिप्रेशन, और अगर इस ब्रूड चैम्बर में कहीं कंजेशन हो गई, भीड़ हो गई, और सपोज वहां 10,000 या 15,000 या 5,000 मक्खियां हैं और आ गई, तो फिर ऊपर है सुपर चैम्बर. तो कहां जाते हैं, सुपर चैम्बर में. फिर उसके बाद ये जो इनर कवर फॉर वेंटिलेशन है, ये जो है दिस वेंटिलेटेड, ये इसमें दिस पोरस, व्हाट डू यू पोरस, इसको सुराख है, ठीक है, ताकि वेंटिलेशन हवा का आना जाना बरकरार रहे. उसके ऊपर लास्ट में देख रहे हो आप आउटर कवर, और ये आउटर कवर है इसको सर्दी यानी इसके अनथर्मल कंडीशन जो भी है, सर्दी है, गर्मी है, या बारिश पड़ रही है, या धूप तेज है, उससे बचाते हैं. उसके अलावा क्या होता है कि जब ये जो जो हेक्सागोनल या ब्रूड चैम्बर मैंने बताया आपको, जब ये हेक्सागोनल चैम्बर भर जाता है तो आज ऐसे दिस प्लेट्स, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दिस प्लेट्स कैन बी रिमूव विदाउट हार्मिंग दिस हनी बीज. इसको रिमूव करते हैं बाद में जो मशीन है किसकी एक्सट्रैक्टर बोलेंगे, एक्सट्रैक्टर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और हनी निकल जाता है. तो इसको हम क्या कहेंगे एपियरी, क्या कहेंगे. तो मॉडर्न मेथड में जो है काफी और मतलब इसकी मॉडिफिकेशन की गई है एज कंपेयर टू इंडाइजिनस मेथड. ठीक है, अब ये जो मेथड ऑफ बी कीपिंग, इसमें दूसरी बात यह है प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग, में लिखा कि रेयरिंग ऑफ हनी बीज किस किस के लिए, हनी के लिए, बी वैक्स के लिए, रॉयल जेली के लिए, ये बताया मैंने, और वेनम के लिए. तो चलो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हनी, सबसे पहले क्या है, देखो हनी जो मैंने पहले बताया इट इज मोस्ट विस्कस सब्सटेंस इन द वर्ल्ड. ठीक है, नंबर वन इट एंटीसेप्टिक, इसकी हम डिस्कस करेंगे एक ही बात में कि इसका फायदा क्या है. एक्चुअल में क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट है कि नहीं, कैसे कौन लगी बताएगी, प्लांट प्रोडक्ट मैंने लिखा है यहां पर, इट इज एन इनडायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट, कैसे, शाबाश, हाँ जी जरूर जल्दी बोलो, टाइम कम है, शाबाश, जमा मुद्दा हो गया, हाँ शाबाश, क्यों क्यों पता है कि
जो ये हनी बीज फीड किसपे करती हैं? नेक्टर पे, जो फ्लावर्स नेक्टर होता है या जो लीव्स में नेक्टर होता है उसे उस पर फीड करती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो नेक्टर, नेक्टर में क्या होता है, कंटेन्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। और ये जो ही कॉम्प्लेक्स शुगर जो है क्या करती है, सख्त जो ही इसको करती है, तो देयर आर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द बॉडी ऑफ दिस हनी बी, ठीक है। और वो इसको जो ही एड करते हैं, इसको बनाते हैं सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर इज चेंज इनटू सिंपल शुगर, एंड सिंपल शुगर जस्ट लाइक दिस डेक्सट्रोज लेवुलोज, ठीक है, सिंपल शुगर बन गया। और सिंपल शुगर जब बन गया तो वहां पर होती है देयर इज रीगर्जिटेशन। व्हाट इज रीगर्जिटेशन, कौन बच्ची बताएगी? रीगर्जिटेशन। अच्छा मुझे बताओ थोड़ा सा कि हनी जो है कैसे निकलता है इसके बाहर? अब ऐसा ऐसी धारणा है, ऐसा समझा जाता है कि भाई ये इसकी टट्टी होती है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जी, या इसका एक्सक्रीटा है। आपने सोच कहां से हनी कहां से आता है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट है इसका? नो। अब ये कहता है जो ही इसने पता कि नेक्टर जो उसने सक किया, ठीक है, वो इसके इसमें इसकी बॉडी में जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन वो एंजाइम जैसे एक्ट हुए, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया, क्या तो क्या बना, जैसे मैंने बताया डेक्सट्रोज और लेवुलोज, ये सिंपल शुगर से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद आपने, ठीक है। तो वहां पर फिर जब मॉडिफाई हो गया, ये नेक्टर ही है सारा कुछ, मॉडिफाई हो गया उस पर रिगर्जिटेशन, यानी पहले इसने अंदर लिया बाहर निकाल रहा है। रिगर्जिटेशन मींस सिंपल वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या, जस्ट लाइक वोमिटिंग, तो वोमिट करता है, दैट इज हनी। वो क्या है, समझ बड़ा कुछ नहीं, कैसे बनता है। अब रीकल्चरेशन के बाद और कहां डालेगा, जो हमने हेक्सागोनल डिप्रेशंस बताए वो उनमें ये हनी जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या क्या है, सिंपल शुगर्स भी आ गए, कुछ पिगमेंट्स भी आ गए, इसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी आ गए। हमें पता है कि हनी हैज गॉट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल आपकी बुक में मैंने पढ़ा कि अगर हम 200 ग्राम हनी खाएं, कितना, इट इज इक्वल टू 11.6 लीटर्स ऑफ मिल्क। इतना सर, इतनी एनर्जी मिलेगी हमें, जितना हमें 200 ग्राम अगर हनी खाते हो तो इसकी एनर्जी हमें, न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल समझते हो ना, कितनी मिलेगी, इक्वलेंट जितनी हमें मिलती 11.6 लीटर्स ऑफ मिल्क से, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू इसने बताया है कि 1.5 केजी ऑफ क्रीम, 1.5 केजी ऑफ क्रीम, क्रीम समझते हो, तो मलाई बोलते हो, 1.5 किलो और मलाई खाते हो आप, उसकी आप जितना आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है तो आपको कितना, सिर्फ 200, ये क्या कहते हैं, हाँ ये जो 200 ग्राम्स ऑफ हनी, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताइए। और मीट जो है, मीट जितना 300 ग्राम्स मीट के बराबर, 200 ग्राम अगर हनी खाते हो, जितना 300 ग्राम मीट के बराबर जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, तो सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हनी का हमें कितना फायदा, लेकिन वी टेक इट लाइट, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ये एंटीसेप्टिक है, समझते हो, एंटीसेप्टिक। इसके एंटीसेप्टिक के अलावा इट इज यूज इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, बहुत दवाइयों में यूज होता है कौन, हनी, ठीक है। उसके अलावा जो नंबर, ये तो हो गया हनी, अब नेक्स्ट इज बी वैक्स। अच्छा ये तो हो गया हनी का, अब बी वैक्स, अब जो बी वैक्स है इट इज ओपन फ्रॉम हनी बीज, हमें पहले पढ़ लिया हनी बीज से ओपन इसको करते हैं, और इट इज मोस्टली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, नोट आर कॉस्मेटिक आइटम्स, जो आप लिपस्टिक लगाते हो, सुर्खी लगाते हो, या जो नेल, जो भी
डेकोरेशन पर्पस के लगाती है फीमेल, ठीक है। कॉस्मेटिक आइटम्स, तो कॉस्मेटिक आइटम में बी वैक्स यूज होता है, उसके अलावा पैंट्स में यूज होता है, पैंट समझते हो, ठीक है, पैंट्स में यूज होता है, और पैंट्स के अलावा ये जो पॉलिश करते हैं हम शूज में, उसमें भी बी वैक्स यूज होता है, तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है, बी वैक्स। देन कम्स बी वेनम, बी वेनम मतलब इनका जहर। तो वो भी वेनम ही होता है, क्योंकि वो उसके इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा। मैंने समझाया आपको, जैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको कि एडिनेटेड क्या होता है, हाफ किट क्या होता है, उसको मारे दो। अब बी वेनम को जमा किया जाता है, और इसमें आपकी बुक में ही लिखा है कि वेनम इज ऑब्टेन फ्रॉम बीज एंड इज यूज मेकिंग मेडिसन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट्स, गाउट्स जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन कह सकते हो आप, वहां पे इंजेक्शन किया जाता है इसका, तो ये बी वेनम यहां यूज किया जाता है, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू कितनी आप समझ सकते हो रेयरिंग ऑफ जो ये हनी बी है। देन रॉयल जेली, रॉयल जेली मैंने पहले बताया जो फैरिंजियल ग्लैंड्स है, माउथ पार्ट्स के पास जो ग्लैंड्स है वहां जो सेक्रेशन होती है, दैट इज नोन एज द जेली, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल जेली। तो रॉयल जेली जो है इट इज मोस्टली यूज्ड एज टॉनिक इन हार्ट पेशेंट्स, ठीक है, हार्ट पेशेंट समझते हो जो दिल के मरीज है, उनको टॉनिक दिया जाता है, उनकी दवा में डाला जाता है रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है जो फैरिंजियल ग्लैंड्स है किसके, हनी बी के, उन सेक्रेशन होती है ग्लैंड से, ग्लैंड का मतलब भी है कोई भी आर्गन जो सेक्रेशन करता हो, दैट नोन एज़ अ ग्लैंड, तो फैरिंजियल ग्लैंड से सेक्रेशन होती है, उसको तो रॉयल जेली, तो रॉयल जेली जो है ये देते हैं किसको, हार्ट पेशेंट्स को मेडिसिन में डाल जाता है, और आपको तो मतलब है हार्ट पेशेंट की जान अगर बच जाए तो और क्या चाहिए हमें, तो ये सब हमें इससे मिलता है, ठीक है। तो दवाई का नाम फेरिंजियल ग्लैंड, बोला फेरिंजियल ग्लैंड, फेरिंजियल, फेरिंग्स का फेरिंजियल, फेरिंजियल ग्लैंड, फेरिंजियल ग्लैंड। उसके बाद फ्लोरा, दिस फ्लोरा फॉर द बीज, फ्लोरा मींस कि दाना चारा कहां से लाते हैं, जैसे जहां जैसा हमने लिखा है जो एपेरीज हैं, जहां हम एपेरीज रखेंगे वहां खाली एपेरीज नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर पास्चर, पास्चर समझते हो, चिरागा होना चाहिए, इट मस्ट हैव दिस फ्लावर्स जस्ट लाइक सनफ्लावर, दिस ट्रीज ऑफ अदर नेचर ऑफ फ्लावर्स ऑफ अदर जो भी आप लगा, लेकिन एंड बिसाइड दीज थिंग्स देयर मस्ट बी ए वाटर रिजर्वायर आल्सो, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती है, वहां तालाब फॉर्म नजदीक होना चाहिए, वाटर रिजर्वायर है, तो इस वजह से उनको ताकि वो माइग्रेशन ना करें, हमारा मुद्दा ये है कि वो जो एपीरीज है वो ना छोड़ें, कौन ये जो हमारी हनी बीज है। देन कम्स नेक्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हनी बीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, हमसे ज्यादा अच्छे हैं सोशल हैं ये, हम सोशल नहीं हैं, हम लग पुलिस पे लगे रहते हैं, इंसान हमारी फितरत है ये, ठीक है, ये फितरत के नहीं, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनमें सबसे डिफरेंट है, एक तो है एंट्स, ठीक है, उनसा हनी बीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंग हनी बीज, तो सबसे पहले इसमें कहता है कि भाई इनका कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स ये काम मिलजुल के करते हैं, जैसे हम फैमिली में हमें, हाँ जी पापा कमा के लाएंगे, मम्मी खाना पकाएगी, मैं थोड़ा झाड़ू लगा दूंगी, भैया संभालेंगे बाजार से, डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसे इनका डिवीजन ऑफ लेबर है, किनका, जो हनी बीज है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें मेल जो है सिंबल ऑफ मेल, कितने क्रोमोसोम्स है इसमें, जब हमने किया था वेरी गुड राइट 16 क्रोमोसोम्स, मैं शॉर्ट करूंगा यहां, 16 क्रोमोसोम्स, हमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 कि 45 23 पेयर्स, तो इनमें 16 क्रोमोसोम्स यानी 8 पेयर्स हैं मेल भी और फीमेल में भी, लेकिन यहां पर उल्टी चीज क्या है कि मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस एंड फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा बाय मियोसिस, तो ध्यान रखना इसमें आप आदमी हमारी तरह नहीं है क्या, मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और फीमेल प्रोड्यूस करेगी ओवम या एग बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस, या थोड़ा पॉइंट ये लिखाऊंगा आपको अंडरलाइन कराऊंगा भी, इसमें थोड़ा डिफरेंट है ये।
और व्हेन द एग्स इज फर्टिलाइज्ड इट इज डिप्लॉयड. और डिप्लॉयड डिप्लॉय समझ रहे हो ना, थोड़ा समझाना है तो बड़ा आपने प्रोडक्शन में. डिप्लॉयड एग जो है, डिप्लॉयड जायगोट जो है, इट विल डेवलप इनटू फीमेल. ध्यान सुनो मेरी बात. डिप्लॉयड जायगोट जो है इट विल डेवलप इनटू फीमेल हनी बी. किसमें? और दूसरा जो अनफर्टिलाइज्ड है, जिसको हमने जो क्या बोलते हैं पार्थिनो, पार्थिनोजेनेसिस. आपने बॉडी में पढ़ा होगा, जल्दी में पढ़ा है. व्हेन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई मेल फीमेल कोऑपरेशन नहीं हुई, तो ये पार्थिनोजेनेसिस में देखो फीमेल तो बन गए, पार्थिनोजेनेसिस में मेल बनते हैं. क्या बनते हैं? एंड दोज मेल्स आर नोन एज द ड्रोन्स, डी आर ओ एन ई एस. जो आप सुनते हो ना, आज वो जहाज ड्रोन पे ने हमला किया जी, इसी के पैटर्न पे बनाया गया है. ड्रोन्स क्या कहते हैं उसको? ड्रोन्स क्या कहेंगे? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यू आर नॉट, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहीं नहीं मिलेगा बाद में आपको. अच्छे बुक्स जमा करके लिखा है मैंने, ऐसा नहीं मिलेगा आपको. जैसे आप मिले ना स्लाइड दी. ये समझ नहीं आया कि जैसे ये मेल और फीमेल, जैसे माइटोसिस में आते हैं, तो वहां पे तो क्रोमोसोम उतने ही नहीं, 16 रहे, तो वहां ये मैं आपको, ये मैं बताऊंगा आपको क्लास में बताऊंगा. ये इनको इनको मैं समझाया पहले. है तो अभी चलेंगे, पता आपको बिल्कुल. अच्छा इसमें अब देखो ड्रोन्स कौन बनेंगे? अब कौन बनेंगे? मेल और फीमेल कौन बने? बट दीज मेल्स आर पार्थिनोजेनेसिस, कि वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो मेल ड्रोन्स बने और फीमेल जो है बन गई इधर, ठीक है? अब ये कहता है कि फीमेल जो है दे आर इनिशियली फेड विद रॉयल जेली. जो फीमेल्स हैं, रॉयल जेली रहा यार, इनको चार दिन तक अप टू 4 days दे आर फेड विद रॉयल जेली. बट आफ्टर 4 days this royal jelly stopped to them and they start working. But one female, this honeybee, she is मतलब उसको continuously दिया जाता है क्या royal jelly, और उसको कहते हैं queen, क्या बोलते हैं उसको, यानी वो royal jelly पर ही पलती है. और एक जो ये पूरा जो छत्ता होगा, जो एपीरी होगी, उसमें एक ही queen होगी, ठीक है? एक में एक ही queen होगी. इसका मतलब है कि जो female थी वो क्या बनी? ये बनी फीमेल. वर्कर क्या बनेंगे? वर्कर मेल जो थे वो बने ड्रोन्स. क्या बनेंगे? ड्रोन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. फीमेल वर्कर, मेल ड्रोन्स, और जो क्वीन थी जिसको रॉयल जेली पर फीड किया 4 दिन के बाद भी, 4 दिन लगातार वो बनेगी क्वीन. एंड देयर इज ओनली वन क्वीन रिमेन्स इन वन एपियरी, और वन जो ये छत्ता बिहाई होगा, ठीक है? देन फीमेल लार्वा. अब क्या होगा कि फीमेल लार्वा जो है जो बन गया, लेकिन ये फर्टाइल है भाई. फर्टाइल मींस शी कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है? उधर से जो मेल है, ठीक है, वो भी है फर्टाइल, लेकिन जो बाद में जो फीमेल है वो क्या हो जाती है? जो ही डेवलप होती है क्वीन, तो रिप्रोडक्शन पर्पज के तो यूज होगी, लेकिन दे बिकम सेटराइल, फर्टाइल एंड सेटराइल. तो आपको बताई दूंगी फर्टाइल जो फीमेल है वो क्वीन है, ठीक है? और सेटराइल फीमेल जो है जो वर्कर्स हैं, क्योंकि अब जो वर्क, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो सेटराइल वर्कर्स है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है. उन्होंने सिर्फ 4 दिन रॉयल जेली पे फीड किया, उसके बाद उनको काम पे लगा दिया. उनका प्रोवेसिस, उनका जो थोरेक्स है, उनका जो माउथ पार्ट्स है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है. उनके जो विंग्स हैं, क्योंकि उन्होंने वही जाते हैं बाहर, वही लाते हैं उनके लिए खाना शाना, या काम करते हैं ये, तो सब कुछ डिपेंड करता है वर्कर्स पे. लेकिन रिप्रोडक्शन पर्पजेस के लिए वो यूज नहीं होती है. कौन? वर्कर्स. दे आर फीमेल सेटराइल वर्कर्स. चलो आगे, सही रहो भाई. उसके बाद ये जो क्वीन है, क्वीन इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन पर्पजेस, ठीक है? तो ये अब डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक का काम है बांटा गया. ये तो आगे नहीं है. उसके अलावा
इसके अलावा और भी काम देगा, जैसे इसने लिखा है नर्स बीज, नर्स क्या काम करती है भाई? शाबाश, ये तो कॉमन सेंस है। शाबाश, क्या काम करती है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बीज, बांटे काम बांटे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा गॉड बीज, गॉड का भगवान नहीं, जी ओ आर डी, गॉड क्या होता है? दे गॉड दिस एपियरी और दे गॉड दिस बिहाइव, ताकि कोई बाहर से कोई प्रीडेटर, कोई शिकारी तो नहीं आ गया, ठीक है वो। उसके बाद फिर गॉड बिल्डर बीज, बिल्डर जो क्या करती है, आप ये खुद लिख सकते हो, बिल्डर बीज, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस नेस्ट या दिस बिहाइव्स, दे हेल्प इन बिल्डिंग दिस बिहाइव्स। देन रिपेयरर, रिपेयरर क्या होता है? रिपेयरर बी, सुपोज कहीं कोई शहर की मक्का छाता जो बिहाइव है कहीं पर उसमें खराबी आ गई, उसको रिपेयर करते हैं, उसको बी वैक्स निकाल के उसको ठीक करते हैं ये। देन स्काउट बी, स्काउट होता है क्या, स्काउट स्काउट हो गया, नहीं पता है? स्पाई, स्पाई क्या होता है? जासूस, जासूस क्या है? अब देखो स्काउट बी का काम बड़ा खतरनाक काम है, ये क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये कि कहीं जैसे अभी यहां पर एपियरी है, ठीक है, तो विसिनिटी में या जो सराउंडिंग एरिया में जाएगा, देखेगा भाई कहां कोई सोर्स है, पानी है कहीं, क्या कहीं फ्लावर्स हैं, ताकि हम उससे नेक्टर निकाल सकें। और जब वो देखता है वहां, तो एक स्पेशल डांस करता है, उसको बोलते हैं वेगलिंग डांस, क्या बोलते हैं उसको? दिस इज नोन एज द वेगलिंग डांस, WAGGLING, वेगलिंग डांस। ये दोनों को पूछते कभी भी व्हाट इज वेगलिंग डांस, तो वेगलिंग डांस जो है ये गेस्चर है, एकदम दिखाता है, डांस करता है ये, मक्खी डांस करती है और बाकी को पता चलता है कि भाई ये जैसे डांस करने से मतलब है कि फलानी जगह पे जहां पे ये गया है वहां पर क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, या मतलब नेक्टर जो वहां से मिलेगा। तो किसका काम है, स्काउट का या स्पाई का? देन फोरेज, फोरेज हो गया डांस चलाना नहीं होता है, फोरेज, फोरेज का काम है कि कलेक्शन, कि अगर कहीं कोई बीज जो है वो इनएक्टिव है, काम नहीं कर पा रही है, तो फोरेज बीज जो है उनका जाएंगे और उनके लिए भी लाएंगी, क्या लाएंगी, राशन पानी लाएंगे उनके लिए, उनको बोलते हैं फोरेज बीज, क्या बोलते हैं? देन फेनर्स, फेनर्स FANERS, फेनर्स का काम क्या है, दे बीट देयर विंग्स कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू इवेपोरेट, जो क्योंकि हमने पहले पढ़ा इसमें वाटर भी है, इसमें कुछ चीजें भी हनी में, और उसको मोस्ट विस्कस बनाने के लिए लगातार बीट करती है विंग्स को, उससे क्या होगा, इवेपोरेशन मींस देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर एंड दिस हनी विल बी फॉर्म इन प्योर स्टेट या मोस्ट विस्कस बनाने के लिए। अब समझ रहे हो कितना सबका काम बांटा हुआ है। देन क्लीनर्स, क्लीनर्स लेबर बोलते हैं, मैं जल्दी करो फिर खत्म हो गया थोड़ा सा भी, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। और लास्ट बिहेवियरल फिनोमेना ऑफ बीज, इनका अपना बिहेवियर, इनका फिनोमेना बिहेवियर कैसा है, तो नंबर ए देखेंगे, दैट इज स्वार्मिंग, स्वार्मिंग। अब तो मैंने पहले बताया कि स्वार्मिंग का मतलब है इट्स पैटर्न ऑफ द हाइव व्हेन कोई भी ये जो ओवर क्राउडिंग जब हो जाए, जब ओवर क्राउडिंग में ज्यादा जमा हो जाए वहां पर, तो इनको निकलना पड़ता है वहां से, यानी कि इनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करनी पड़ती है, इट्स नोन एज स्वार्मिंग, क्या कहेंगे इसको। तो ये अमूमन कहा कहता है कि कब होता है ये, कि एट द बिगनिंग, आपने देखा होगा कि जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं या मौसम बाहर आने वाला होता है, तो ये झुंड में निकलती है, सुना देखा ना आपने, स्वार्मिंग उस वक्त करती हैं ये, क्यों करती हैं, ताकि ये झुंड जो सोर्स है इनको मिल सके, दैट इज नॉन एज स्वार्मिंग, क्या कहेंगे इसको, स्वार्मिंग। नंबर बी हो गया एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है इंग्लिश में, अवश्य हम कहते हैं आपको भाई आओ एब्सकॉन्डिंग, आप कहां से बैठते नहीं हो, हमेशा भागता रहे जो, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्डिंग। तो इसमें बताया है दिस मींस द माइग्रेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स फ्रॉम वन प्लस टू अनदर, इट इज नोन एज द एब्सकॉन्डिंग। एंड लास्ट वन इज द नुपचियल फ्लाइट्स, नुपचियल, एन यू पी टी आई ए एल,
म्यूचुअल ब्लाइट। अब देखो मैंने इसी बताया कि जो क्वीन है, क्वीन इज यूज्ड ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस, हेड एक ही, एक कुएं में एक ही हेड रहेगा, बाकी नहीं, ठीक है। तो न्यूचुअल फ्लाइट में क्या होता है कि सबसे पहले इट इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द वर्जिन क्वीन, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द वर्जिन, समझते हो, अनमैरिड वर्जिन क्वीन, एंड व्हेन इट फ्लाइट्स इट सेक्रेट्स द फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, व्हाट आर फेरोमोन्स, दीज आर द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द इंसेक्ट्स, जिसमें हार्मोन्स हैं, इनमें इनमें फेरोमोन्स हैं। अब ये फेरोमोन्स क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द मेल हनी बी, उनको अट्रैक्ट करने के लिए फॉर पॉपुलेशन पर्पसेस, एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स, इट पॉपुलेट्स विद 20 मेल ड्रोन्स वन बाय वन, एंड दीज ऑल 20 मेल ड्रोन्स डाई आफ्टर पॉपुलेशन, एंड द स्पर्म्स गेट कलेक्टेड इन द स्पर्मेथिका ऑफ दिस क्वीन, एंड शी स्टार्ट्स हैचिंग द एग्स। सो दिस वाज, क्या था ये, हनी कल्चर या एपिकल्चर? अगर कोई क्वेश्चन करना है आपने जल्दी करो तो चलेंगे, समझ आया आपको?